नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वर्डप्रेस में कोई थीम इंस्टॉल या फिर अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई मीडिया फाइल अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपलोड नहीं हो रही है, आपको अपलोड मैक्स फाइल साइज का एरर दिखाई दे रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको लॉग इन कर लेना है अपनी सी पैनल में, और सी पैनल में जाने के बाद आपको फाइल्स का जो सेक्शन है उसमें ये जो फाइल मैनेजर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको कर लेना है क्लिक। फाइल मैनेजर में जाने के बाद पब्लिक अंडरस्कोर HTML का ये जो सेक्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसमें जाने के बाद WP-admin का ये जो फोल्डर है आपको इस फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेना है और इसमें आपको एक नई फाइल ऐड करनी है। आपको यहाँ पे ऊपर ये जो ऐड फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है नई फाइल ऐड करने के लिए। और फाइल का नाम जो देना है आपको वो है php.ini, ये नाम देना है आपको फाइल को, और उसके बाद क्रिएट न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये फाइल ऐड हो जाने के बाद हमें इसे एडिट करना है। इस फाइल को आपको ये फाइल यहाँ से नेविगेट कर लेनी है और ऊपर आपको ये जो एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है इस फाइल को एडिट करने के लिए। इसमें जाने के बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लाइन का कोड मिलेगा, आपको वो कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे उस फाइल में जाके ये पेस्ट कर देना है। यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ये 32 MB जो है ये मेमोरी साइज का लिमिट है MB में, चाहे तो आप यहाँ पर 64 MB या फिर 128 MB भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे 32 MB ही रहने देंगे और उसके बाद आपको सेव चेंजेस के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका करने के लिए आपको फिर से जाना है अपने सी पैनल में। वहाँ पे जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर नाम का जो सेक्शन होगा आपको यहाँ से उसे नेविगेट कर लेना है। ये देखिए, ये जो सेक्शन है सॉफ्टवेयर का, इसमें आपको सेलेक्ट PHP वर्जन का ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसमें जाने के बाद सबसे ऊपर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्विच टू PHP ऑप्शंस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। और इसमें जाने के बाद सबसे नीचे ये जो दो ऑप्शन है अपलोड मैक्स फाइल साइज, ये देखिए ये जो ऑप्शन है, और पोस्ट मैक्स साइज, ये जो ऑप्शन है आपको इसके आगे शायद आपको 2M या फिर 8M लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करना है मेमोरी साइज बढ़ाने के लिए। आप यहाँ से 32M, 64M या फिर 128M, आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हम फिलहाल 64M चूज़ कर लेते हैं और आपको अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आप वर्डप्रेस में आपकी जो कोई भी थीम होगी आप उसे इंस्टॉल या फिर अपलोड कर सकते हैं या फिर मीडिया फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।